वेलकम टू एसे टेक हिंदी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, अगर आपके पास पुराने फोटो हैं दादा दादी नाना नानी के जमाने के, तो आप उसको कलर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप यहाँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने ब्राउजर में जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप कोई सा ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, यूसी है, क्रोम है, जो भी ब्राउजर है आपके पास, ठीक है। और आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में आपको सर्च करना है, ठीक है, कलराइज फोटो, ठीक है। कलराइज फोटो सर्च करने के बाद आप देखेंगे जो सबसे पहला लिंक आएगा, ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ सबसे पहला जो लिंक है, ठीक है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जिसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो लिखता है पेस्ट द URL एंड द इमेज, ठीक है। अगर आप कोई वेबसाइट पे फोटो है, आप उसको कलर करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे उसका लिंक जो है पेस्ट कर सकते हैं और उसे जो है कलर फोटो कर सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आपके गैलरी में फोटो है तो आपको क्या करना है कि आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, ऊपर की ओर सॉरी, और यहाँ पे देखेंगे अपलोड का एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद गैलरी में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी फोटो है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पे ऊपर में देखेंगे डन का एक बटन है, ठीक है, आप उसको यहाँ पे क्लिक करके डन कर देंगे। डन करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये फोटो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो फोटो है, ठीक है, वो अपलोड हो चुका है। और जो है यहाँ पे आपको आधा फोटो जो है आपको कलर दिख रहा है और आधा जो ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता लगता है कि आपका फोटो जो है वो कलर हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको इसको यहाँ तक ले आना है, जिससे क्या होगा कि ये फोटो सारा आपका कलर हो जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे डाउनलोड कलराइज इमेज है, ठीक है, आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये फोटो जो है आपके फोन में सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा फोटो जो है वो वहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। चल के हम उसको गैलरी में आपको अपना फोटो दिखा देते हैं, वो सेव हो चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे गैलरी में जो हमारा फोटो है वो सेव हो चुका है कलर में, और जो पहले वाला फोटो था ब्लैक एंड व्हाइट, ये वाला था और ये कलर फोटो है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को बड़ी आसानी से कलर कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।